वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। एक बार फिर शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े दिल के इंसान हैं। किंग खान, जो अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्कॉलरशिप के साथ दोबारा लौट आए हैं, जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न और लॉर्ड ट्रो विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में है। स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण हाल ही में 18 अगस्त से शुरू हुआ और 23 सितम्बर तक चलेगा। पहली बार स्कॉलरशिप की घोषणा 2019 के उत्सव में की गई थी, जिसमें एसआर के मुख्य अतिथि थे और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय गए थे। इसके तुरंत बाद केरल के त्रिशूर की भारतीय गोपिका कोठरथियाल भांसी को पहली स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। रविवार 28 अगस्त को फेमस डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की, उन्हीं में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा का नाम भी है। पिछले दिनों कुणाल रावल के साथ अर्जुन और मलाइका की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसने काफी लाइमलाइट बटोरी थी। इसी बीच अब एक और फोटो आई है। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके साथ मलाइका अरोरा, कुणाल रावल की पत्नी अर्पिता मेहता नजर आ रही हैं। अर्पिता तो इस फोटो में काफी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन उनके साथ ही मलाइका और अर्जुन भी कुछ कम नहीं लग रहे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अर्जुन ने लिखा, आखिरकार परिवार में आपका स्वागत है अर्पिता मेहता, अब दुनिया जानती है कि हमेशा के लिए आप कुणाल के सब कुछ हैं। सोशल मीडिया पर स्टार किड्स और बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार को टारगेट करने वाली अभिनेता कमाल राशिद खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमाल अपने आप को केआरके के नाम से बुलाते हैं। वो यूट्यूब पर फिलहाल फिल्म रिव्यू के कारण चर्चा में रहते हैं। केआरके को साल 2020 के केस में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केआरके की गिरफ्तारी के बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। मीम्स और जोक्स की जैसे वर्ड सी आ गई है। ट्विटर पर हैशटैग केआरके अरेस्टेड चल रहा है। इसमें यूजर्स कमाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि केआरके ने पिछले कुछ समय में फिल्मी सितारों के खिलाफ बयानबाजी कर अपना उल्लू सीधा किया है। वहीं कुछ लोग उन्हें कर्मों का फल मिलता हुआ देखना चाहते हैं। यूजर्स केआरके की गिरफ्तारी पर नाराज भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केआरके को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट से बचाया जा सके। ऐसे में केआरके के फैंस उनके ज्वेल में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव की अगली फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का नाम मोनिका ओ माई डार्लिंग है। इस घोषणा सोमवार को नेटफ्लिक्स की 25वीं सालगिरह के मौके पर की गई। इस बीच मोनिका ओ माई डार्लिंग का शानदार टीजर रिलीज किया गया। इस टीजर को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि राजकुमार राव की यह फिल्म सस्पेंस से भरपूर रहने वाली है। गौरतलब है कि सोमवार को जैसे ही नेटफ्लिक्स की ओर से ये जानकारी पेश की गई, तो राजकुमार राव की अगली फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग, उसके बाद फैंस इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। वो इसलिए क्योंकि राजकुमार हिंदी सिनेमा जगत के दमदार कलाकारों में शामिल हैं, जिनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार दर्शकों को रहता है। इस बीच गौर किया जाए तो मोनिका ओ माई डार्लिंग के टीजर की तरफ तो हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया गया। इस टीजर में एक्टर राजकुमार राव, एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बहुत छोटे शहर अंगोला के रहने वाले हैं। टीजर से साफ पता लग रहा है कि इस फिल्म में राजकुमार का किरदार एक ऐसे शख्स का है जिसके पास शानदार कहानी है। तो ऐसी और कहानी जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।